हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ बिहार का बहुत ही खास रेसिपी, दाल पूड़ी बनाने का बहुत ही आसान और टेस्टी तरीका, जिसे एक बार बना के खा लेंगे तो जिसका स्वाद है वो आपकी जुबान से कभी नहीं उतरेगा। तो आप भी इस तरीके से एक बार दाल पूड़ी घर पे जरूर ट्राई करके देखिएगा, उम्मीद है आपको ये बहुत पसंद आएगा। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। दाल पूड़ी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने इस कप से एक कप चना दाल लिया है, जिसे मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। अब हम उसी कप से दो कप पानी ऐड करेंगे, यानी कि आप जितना दाल ले उसका दुगुना आपको पानी लेना है। अब इसमें हम आधा चम्मच हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। हल्दी पाउडर ऐड करने के वक्त क्लिप मिस हो गया था। अब इसमें हम नमक ऐड करेंगे, नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करें। अब हम कुकर का ढक्कन बंद कर देंगे और इसे हम मीडियम फ्लेम में 3 से 4 सीटी आने तक पकने देंगे। देखिए 3 से 4 सीटी लगने के बाद कुकर अच्छे से ठंडा हो चुका है। अब हम कुकर का ढक्कन हटा लेंगे। देखिए चना दाल एकदम अच्छे से गल चुका है, बिल्कुल हमें इस तरह से चना दाल को गला लेना है। अब इसे हम साइड पर रख देते हैं। अब इसके लिए हम कुछ मसाला रेडी करेंगे। तो मसाला बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक मिक्सर के जार में 7-8 कली लहसुन, 1/2 इंच कटा हुआ अदरक, 2 हरी मिर्च, 2 सूखी लाल मिर्च, 1/2 चम्मच जीरा, 1/2 चम्मच धनिया, 1/2 चम्मच काली मिर्च और थोड़ा सा पानी ऐड करके इसका हम फाइन सा पेस्ट रेडी करेंगे। देखिए मैंने इस तरह से इसका पेस्ट रेडी कर लिया है। अब हम गैस ऑन करेंगे और कढ़ाई को अच्छे से गर्म होने देंगे। देखिए कढ़ाई अच्छे से गर्म हो चुका है। अब इसमें हम 2 चम्मच लगभग मस्टर्ड ऑयल ऐड करेंगे और ऑयल को अच्छे से गर्म होने देंगे। देखिए ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है। अब इसमें हम चुटकी भर हींग डालेंगे। उसके बाद हम इसमें एक मीडियम साइज का कटा हुआ प्याज ऐड करेंगे और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हम प्याज को मीडियम फ्लेम में अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाने तक फ्राई कर लेंगे। देखिए प्याज अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब इसमें हमने जो मसाला पीस के रखा था उसे इसमें ऐड कर लेंगे। अब हम मिक्सर के जार में थोड़ा सा पानी ऐड करके उसे भी इसमें ऐड कर लेंगे और हम इस टाइम में थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे। और ध्यान रखें कि हमने चना दाल में भी नमक डाला है तो उसी अकॉर्डिंग नमक डालें। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लें और मसाला को अच्छे से फ्राई करें जब तक इसे तेल ना अलग हो जाए। देखिए मसाला से तेल अलग हो चुका है, यानी कि मसाला अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब इसमें हम बॉईल किया हुआ चना दाल को ऐड करेंगे। अब हम चना दाल को मीडियम फ्लेम में फ्राई करेंगे जब तक कि चना दाल एकदम अच्छे से ड्राई ना हो जाए और इसे इस तरह से जब भी चलाएं तो इसे इस तरह से मैश करते रहें। देखिए दाल अच्छे से ड्राई हो चुका है। अब यहाँ पे हम गैस को ऑफ कर देंगे और फिलिंग को अच्छे से ठंडा होने देंगे। अब हम दाल पूड़ी रेडी करेंगे। तो यहाँ पे मैंने जिस तरह से पूड़ी बनाया जाता है उसी तरह से इसका डो बना के रख लिया था। अब हम इसका छोटा सा बॉल लेंगे और इसे रोल करके इस तरह से कटोरा का शेप देंगे। अगर आपको कटोरा नहीं बनाना आता है तो आप उसे बेल के भी इसमें फिलिंग भरें। अब दाल का जो फिलिंग है उसे इस तरह से राउंड शेप में करके इसके अंदर इस तरह से फिल कर दें। उसके बाद इसे अच्छे से सील कर लें। अब इसमें हम थोड़ा सा सूखा आटा लगा के इसे हम हल्के हाथों से बेलेंगे। इस पूड़ी को बहुत ज़्यादा पतला ना बेलें, इसे हल्का सा मोटा ही रहने दें। देखिए इस तरह से हमें इसका पूरी रेडी कर लेना है। अब इसे हम फ्राई करेंगे। तो पूरी को फ्राई करने के लिए यहाँ पे मैंने रिफाइन ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया था। ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है। अब इसमें हम पूरी को डाल देंगे और हम पूरी को मीडियम फ्लेम में दोनों साइड से अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाने तक फ्राई कर लेंगे। पूड़ी को इस तरह से हल्के हल्के हाथों से इस तरह से प्रेस करने से पूड़ी एकदम अच्छे से फूल जाता है। देखिए पूड़ी कितने अच्छे से फूल चुका है और देखिए पूड़ी एक साइड से अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब इसे हम टर्न कर देंगे और इसे हम दूसरे साइड भी मीडियम फ्लेम में अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाने तक फ्राई कर लेंगे। देखिए पूरी दोनों साइड से अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब इसे हम निकाल लेंगे और इसी तरह से हम सारे पूरी को बना के रेडी कर लेंगे। देखिए मैंने उसी तरह से सारे दाल पूरी को बना के रेडी कर लिया है।
और यहाँ पे मैंने दाल पूड़ी को अचार और सेवई के साथ सर्व किया है। अब मैं आपको एक पूड़ी को तोड़ के भी दिखाती हूँ। देखिए पूड़ी कितना सॉफ्ट बना है और अंदर दाल का फीलिंग भी देखिए कितना बढ़िया लग रहा है, जो खाने में एकदम चटपटा और टेस्टी होता है। तो आप भी इस तरीके से एक बार बिहार का बहुत ही फेमस दाल पूड़ी ज़रूर बना के देखिएगा। उम्मीद है आपको ये बहुत पसंद आएगा। और अगर आप इस तरीके से एक बार दाल पूड़ी बना लेंगे तो आप हमेशा इसी तरह से इसे बना के खाना पसंद करेंगे। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दे, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे, जिससे मेरी आने वाली नेक्स्ट रेसिपी की आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।